पूरे भारत में प्रभु श्री राम के नाम की धुन चल रही है। सब बहुत खुश है, दिवाली जैसा माहौल है। तो मैंने प्रभु श्री राम के प्रसाद के लिए आज ये मिठाई बनाई है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए लिए है मैंने बासमती राइस, थोड़े से मतलब प्रसाद बना रही हूँ तो थोड़ा ही बना रही हूँ। तो ये मैंने बासमती चावल लिए हैं और इन्हें मैं अच्छे से धो लूँगी, एकदम साफ धो लेना है, क्योंकि हम जब इन्हें धोते हैं तो बहुत गंदा पानी निकलता है इनमें से। तो बासमती चावल नहीं है तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो ये मैं इन्हें अच्छे से तीन चार पानी से मैंने इन्हें धो लिया है। अभी एक कटोरी में इसमें जितने मैंने चावल लिए थे उतना ही पानी डाल के और मैं इन्हें 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूंगी। अभी मैंने गैस चालू कर दिया है और उस पर एक छोटी तपेली रख दी है, उसमें 1 चम्मच घी डाल के, 2 लवंग, 1 इलायची जिसका मुंह मैंने खोल दिया था, और थोड़ा सा दालचीनी डाल दिया है, टुकड़ा उसका दालचीनी का, और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और अच्छे से इसे भून लेना है इसमें, ताकि घी में अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाए। और 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ, यही तपेली में मैंने गैस बंद कर दिया है। और गुड़ डाल रही हूँ मैं, तो बारीक काट के रखा था मैंने गुड़, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसे मिक्स करके और छोटे गैस पे रखूंगी, क्योंकि बड़े गैस पे ये टॉप छोटा है तो वो साइड से जलने लग रहा है। तो मैं छोटे गैस पे इसे रख रही हूँ और गुड़ को अच्छे से पिघाल लेना है। मतलब इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन गुड़ पिघलने तक इसे उबाल लेना है, और दालचीनी, इलायची और लवंग का इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए ऐसा इसे एक ही बार उबालना है। तो गुड़ पिघल जाता है रखे रखे। अभी मैंने वापस गैस चालू कर दिया है और उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ। घी गर्म हो चुका है। तो ये बादाम है, इनके दो दो तीन तीन टुकड़े किए हैं मैंने, कट कर लिया है। उतना ही मैं काजू डाल रही हूँ। तो इन्हें हमें भून लेना है ये घी में, और लाइट ब्राउन होने तक इन्हें भूनना है, कच्चा नहीं रखना है। आप जब भी कोई मिठाई बनाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट अगर आप यूज़ करते हैं तो उन्हें आप भून के, घी में भून के ही डालें, बहुत अच्छा उनका टेस्ट आता है। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन। तो मैं इन्हें निकाल रही हूँ, मैंने गैस बंद कर दिया है और घी गर्म है। इसी में मैं ये किशमिश डाल रही हूँ, उतने ही मैंने किशमिश लिए हैं। घी मतलब गैस चालू करके आप किशमिश को कभी भी गर्म घी में मत डालिएगा, नहीं तो वो जल जाते हैं, बहुत जल्दी हो जा पक जाते हैं। तो ये फूल चुके हैं उतने गर्म घी में ही। तो मैं इन्हें भी वही प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। तो पूरे ड्राई फ्रूट को मैंने एक ही प्लेट में निकाल लिया है, देखिए ये अच्छे से हो चुके हैं। और ये गुड़ का पानी भी, गुड़ पिघल चुका है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अभी सेम कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी और डालूंगी, और आप घी कम ज़्यादा आपको जैसा लगे वैसा आप डाल सकते हैं। मुझे ये चावल में घी ज़्यादा ही लगता है इसलिए मैंने डाला 1 चम्मच और। और जो हमने चावल गला के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं मैंने, पानी समेत थोड़े से इसमें थे चिपके हुए, तो मैंने उसमें पानी डाल के और डाल दिया है उसमें। और इसे घी में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। 10 मिनट इन्हें हम कुक होने देंगे, 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं कुक होने देना, क्योंकि इन्हें हाफ कुक करना है अभी। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए, और तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये अभी हमें इन्हें पूरे तरह से नहीं पकाना है, क्योंकि हमें वो गुड़ का पानी भी इसके लिए यूज़ करना है। तो ये अभी मैंने इसे आपको दिखाया है कि एक मैंने नाखून से तोड़ा तभी ये टूटा है। अभी ये जो गुड़ का पानी हमने बना के रखा था वो इसमें डाल देना है और इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। साथ में ही मैं डाल दूंगी इसमें वो जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखे थे घी में, वो भी इसमें डाल देने हैं। तो ये ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल रही हूँ और इन्हें मिक्स कर देंगे चावल के साथ, ड्राई फ्रूट, गुड़ का पानी, और ये अच्छे से मिक्स करके, और फिर हम इन्हें कुक होने के लिए रख देंगे, ढक के रख देंगे। एक बार इन्हें अच्छे से गर्म, एक उबाल आने के बाद आप इसे ढकिएगा, नहीं तो उफन जाएंगे ये। और अभी मैं इन्हें चेक कर रही हूँ, बीच बीच में आप ज़रूर इन्हें चेक करिएगा। तो ये कढ़ाई के पैंदे में चिपके नहीं, इसके लिए मैं एक तवे के ऊपर कढ़ाई रख रही हूँ। तो मीडियम आँच पे फिर इसे एकदम लो, मतलब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे वापस कुक करना है। तो ढक के इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट गैस पे रख रहे हैं तो इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये चावल हमारे पक चुके हैं, अच्छे से हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट बन चुके हैं। तो ये देखिए मैं एक हाथ एक चावल ले रही हूँ, उसे मसल के दिखा रही हूँ। तो ये बन चुके हैं, अभी हम इन्हें सर्व करेंगे। तो एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं ये चावल निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो भगवान के प्रसाद के लिए मैंने ये बनाया, आपने क्या बनाया है प्रभु श्री राम के प्रसाद के लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और
आप लोगों को ये मीठे चावल की, गुड़ के चावल की रेसिपी कैसी लगी है, प्रसाद की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैंने इसके ऊपर नारियल ग्रेट करके डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी नई नई रेसिपी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो कल फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।